वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड पढ़ा रही हूँ, जिसका है अंतर्गत हम यूनिट फोर्थ कर रहे हैं। यूनिट फोर्थ का हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है वेव्स इन मीडियम, माध्यम में तरंगे। तो इस चैप्टर में हमने अब तक जो माध्यम में संचरित होने वाली, प्रोपोगेट होने वाली जो वेव्स हैं, तरंगे हैं, उनके प्रकार पढ़ लिए थे। और जब किसी माध्यम में तरंग गति करती है तो वो जिस वेग से गति करती है उनका जो फॉर्मूला होगा वो हमने ज्ञात कर लिया था। तो हमने अनुप्रस्थ तरंग का वेग निकाल लिया था और अनुदैर्ध्य तरंग का किसी माध्यम में वेग ज्ञात कर लिया है। आज हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि जब हम ये कहते हैं कि जो तरंगे हैं वो एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती हैं, ट्रांसफ़र करती है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी करती हैं या ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी करती हैं, तो वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और उसका जो फॉर्मूला है किस तरीके से ज्ञात किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एनर्जी ट्रांसपोर्ट इन वेव मोशन, एनर्जी ट्रांसपोर्ट इन वेव मोशन, तरंग गति में ऊर्जा का अभिगमन। तो वास्तव में जब कोई प्रगामी तरंग, प्रोग्रेसिव वेव, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव जो है या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जो है वो किसी माध्यम में से संचरित होती है तो माध्यम के जो कण हैं एक के पश्चात एक कंपन करने लगते हैं और इस तरंग के कारण माध्यम के एक भाग से दूसरे भाग तक ऊर्जा का संचरण होता है। और ये ऊर्जा आती कहाँ से है? ये ऊर्जा जो तरंग का स्रोत है, जहाँ से तरंग पैदा हो रही है वहाँ से प्राप्त होती है। तो इस तरीके से ऊर्जा का अभिगमन होता है। तो हम उसका व्यंजक निकालेंगे, तरंग ऊर्जा का व्यंजक, एक्सप्रेशन ऑफ वेव एनर्जी। तो इसके लिए हम सबसे पहले किसी माध्यम में समतल प्रगामी तरंग, जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, उसकी इक्वेशन लिख लेंगे। तो उसकी इक्वेशन हम लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखी है, y इज इक्वल्स टू ए साइन 2π/λ vt माइनस एक्स होता है। ये एक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की। तो ये तो आपकी वेव की इक्वेशन है, ठीक है। अब हम इसके अंदर निकालते हैं किसी समय टी पर माध्यम के उस कण का वेग जिसकी मूल बिंदु से दूरी एक्स है। तो हम क्या करें, ये जो है ये समतल तरंग का समीकरण है और ये किसको डिनोट कर रहा है? ये वाई जो है ये कण का विस्थापन शो करता है जब वहाँ से तरंग गुजरती है। तो तरंग कण जो है वो कितना विस्थापित होता है उसका विस्थापन को दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है। तो अगर टी समय पर उस कण का वेग अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो हम कर देते हैं dy/dt बराबर 2π va/λ cos 2π/λ vt माइनस कुछ इस तरीके से। हमारा उस कण का वेग आ गया जिसकी मूल बिंदु से दूरी x है, क्योंकि यहाँ x लिखा हुआ है ना। तो x जो है वो जहाँ से तरंग का स्रोत बैठा है उसको हम ओरिजिन मानेंगे, उससे इस कण की दूरी x है और t समय पश्चात हम उसका वेग ज्ञात करते हैं। अब ये देखिए, ये चीज़ हमें इस डायग्राम में क्लियर हो रही है। फिगर के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ तरंग स्रोत बैठा हुआ है और उससे x दूरी पर यहाँ पर इस जगह पर हमारा कण बैठा हुआ है और जो जो तरंग आ रही है, वेव आ रही है, वो v वेलोसिटी से चलती हुई यहाँ पर आ रही है और t समय पश्चात यहाँ पर वो इस पोजीशन पे पहुँचती है। तो ये सारी चीज़ें ये डिपेक्ट करती हैं, है ना। अच्छा, अब हम इसके अंदर एक स्मॉल एलिमेंट, इस जगह का एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे जिसको हम डी एक्स कहते हैं। तो चित्र के अनुसार हम माध्यम में तरंग गति के लंबवत
एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल तथा dx मोटाई की एक पतली परत पर विचार करते हैं जो मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित है। तो अब हमने क्या करा, इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमने एकांक अनुप्रस्थ काट ले लिया, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो उसका यूनिटी है और उसकी जो थिकनेस है वो dx है। ऐसा हमने एक माध्यम में से एक छोटा सा एक टुकड़ा अज्यूम कर लिया, और ये जो पतली परत है या लेयर है ये लेयर ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर है। तो इस पर हम अब अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस परत का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो परत का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, अगर इस माध्यम का जो घनत्व है वो अगर रो है तो हमारा द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान होता है आयतन इंटू घनत्व, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होगा इस परत का, भाई इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 हो गया और इसकी मोटाई dx हो गई, तो dx इंटू 1 हो जाएगा। तो हम इसका जो मास है, मास ऑफ दिस लेयर विल बी dx इंटू 1 इंटू रो, रो क्या है माध्यम का घनत्व हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो परत हमने ली है ये बहुत ही पतली है, तो इसके अंदर ये पतली लेने का कारण क्या, क्यों हम इसको पतला ले रहे हैं, जिससे कि हम इसके अंदर जितने भी कण स्थित हैं उन कणों की सभी का वेग करीब करीब समान है। हमें मालूम है जब वेव प्रोपोगेट करती है तो अलग अलग पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग अलग होती चली जाती है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो हमने ये मान लिया कि ये जो परत है वो इतनी पतली है कि इसके अंदर जो सभी कण हैं उन सभी का वेग जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो हम इस परत की गतिज ऊर्जा निकालेंगे, ठीक है, एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी बाय फॉर्मूला आपको मालूम है के क्या होती है, के होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रो डी एक्स, रो डी एक्स लिख दिया। और वेलोसिटी कितनी है कणों की, इस जगह पे हमने निकाल रखी है डी वाई बाई डी टी, 2 पाई VA अपॉन लेमडा कॉस 2 पाई बाई लेमडा VT माइनस X, ये प्लेस कर देते हैं तो आपके पास ये आ गया रो डी एक्स 2 पाई VA अपॉन लेमडा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई लेमडा VT माइनस X, ठीक है। अब इसके अंदर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये कुछ फॉर्म आ जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई इस फॉर्म को देखें तो यहाँ पर न्यू आ गया, ऊपर तो वी था, वो कैसे आ गया, क्योंकि हमने जो वेलोसिटी होती है वो न्यू लैम्डा के बराबर होती है, तो मैंने न्यू जो है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में मैंने काइनेटिक एनर्जी को लिख दिया। तो ये इक्वेशन 3 जो है वो हमारी इस लेयर की काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमारे को एक चीज पता है कि जो कोई भी कंपनशील कण है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसके अंदर जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम और जीरो, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। तो हम उसी आधार पर टोटल एनर्जी की गणना कर सकते हैं, कुल ऊर्जा निकाल सकते हैं। कैसे, ये देखिए मैंने इसमें लिखा हुआ है, यदि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो मैं इसके अंदर जो ऊपर वाला इक्वेशन 3 है इसके अंदर मैं क्या निकालूंगी, के मैक्सिमम निकालती हूँ। तो के मैक्सिमम निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो ये सारी क्वांटिटीज तो कांस्टेंट राशियां हैं, जो मैक्सिमा का जो कंडीशन वेरिएशन जो हो रहा है वो इस कॉस स्क्वायर वाली टर्म में होगा। तो हमारे को के का मान अधिकतम हो इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए जरूरी है कॉस स्क्वायर थीटा का मान अधिकतम हो। तो कॉस स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान तो 1 होता है, तो ये 1 बना दो, ये 1 बनाते ही बाकी टर्म क्या रह जाएगी, हाफ रो डी एक्स 2 पाई न्यू a का होल स्क्वायर, ये हमारा के मैक्सिमम हो गया, जहां पर कॉस स्क्वायर थीटा जो है
उसका मान अधिकतम मान एक हो गया। तो इस प्रकार हमने के मैक्सिमम निकाल ली। अब के मैक्सिमम किसके बराबर होगी? के मैक्सिमम हमारी कुल ऊर्जा के बराबर होगी। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया आपके पास, हाफ रो डी एक्स टू पाई न्यू ए का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन 4 से हमने टोटल एनर्जी निकाल ली। अब टोटल एनर्जी आपको पता है और काइनेटिक एनर्जी पता है, आप किसी भी समय पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। देखो अधिकतम जब गतिज ऊर्जा निकाल रहे हो, काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो, उस वक्त तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, लेकिन टी समय, कोई टाइम टी पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? ये है इक्वेशन 3 ने जो दिया हुआ है। तो हमारे पास ये किसी भी समय काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, और टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है, ये हमेशा एक ही रहेगी। तो इन दोनों का जो अंतर है वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट या एक निश्चित समय पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उस कण की, वो ज्ञात किया जा सकता है। तो वो हम निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट मतलब किसी क्षण पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, वो कैसे निकालेंगे? कुल ऊर्जा में से काइनेटिक एनर्जी किसी क्षण पर काइनेटिक एनर्जी को घटाने से। तो आपको दोनों के फॉर्मूले पता है, हम लगा देते हैं यहाँ पे। हाफ रो डी एक्स टू पाई न्यू ए का होल स्क्वायर माइनस हाफ रो डी एक्स टू पाई न्यू ए का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब इनके अंदर से जो कॉमन टर्म्स हैं उनको हम निकाल देते हैं। निकाल दो तो उससे क्या आ जाएगा आपका? उससे आ जाएगा हाफ रो डी एक्स टू पाई न्यू ए का होल स्क्वायर, और अंदर क्या आ रहा है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर स्क्वायर में लगाना भूल गई हूँ, है ना। यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई लैम्डा VT माइनस एक्स। तो समीकरण 5 जो है वो हमारी क्या बता रही है? वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट बता रही है। अब एक चीज और हम निकालेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमने ये माना है कि परत एकदम पतली है, तो माध्यम के एकांक आयतन की कुल ऊर्जा समीकरण 4 का x बराबर 0 से x बराबर 1 का समाकलन करने से प्राप्त हो सकता है। कैसे? समीकरण 4 कौन सी है आपकी? ये है ना। तो अगर हम, ये तो टोटल एनर्जी है, हम क्या निकालना चाहते हैं? प्रति एकांक आयतन यानी टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम से डिवाइड कर सकते हैं। पर इसके अंदर क्या होगा, अगर आपने उसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमारे इसके अंदर dx की टर्म है ना। तो इसके लिए हमारे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और हमने ये मान लिया कि परत बहुत पतली है, तो जो वेरिएशन है इट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। तो हम जो वेरिएशन है वो 0 से 1 ही कर रहे हैं, बहुत स्मॉल वेरिएशन ले रहे हैं। तो इंटीग्रेट कर देते हैं हम इसी टर्म को। तो हमारा हाफ 2 पाई न्यू a का होल स्क्वायर रो डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x आएगा, इसका इंटीग्रेशन x के अंदर जब 1 वैल्यू रखेंगे तो 1 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर a स्क्वायर रो। ये क्या आ गई आपकी? ये समीकरण 6 में आपके आ गई माध्यम की एकांक आयतन की कुल ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अब ये चीज मैंने अचानक से क्यों निकाल दी? ये इसलिए निकाली है क्योंकि अब हम एक नई डेफिनेशन देंगे, आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, लेकिन यहाँ पर हम दोबारा से डिफाइन करेंगे, जो कि हमारी आगे फर्दर कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। वो टर्म है ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? माध्यम के एकांक आयतन की कुल ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मीडियम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। और ये जो एनर्जी डेंसिटी आप फॉर्मूले से देख सकते हैं, ना तो वो एक्स पर डिपेंड करती है ना ही टी पर निर्भर करती है, दोनों ही एक्स और टी से इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है।
तो देखो घनत्व, जैसे अगर हम सिंपल डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो असल में क्या है, कोई भी चीज़ अगर पर यूनिट वॉल्यूम निकाला जाता है तो उसको हम फिजिक्स में जनरली डेंसिटी के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, करंट डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। तो हर एक के अंदर उस क्वांटिटी को अगर पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन करते हैं तो हम उसको डेंसिटी फॉर्म में बोलते हैं। तो यहाँ पर ये टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखा है हमने, कुल ऊर्जा प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, तो उसको ऊर्जा घनत्व हमने नाम दे दिया। अब हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी आ गई, ऊर्जा घनत्व आ गया। अब हम निकालेंगे औसत गतिज ऊर्जा और औसत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो औसत तरंग के लिए एकांक आयतन की, अब हम यहाँ पर पहले से ही एकांक आयतन की औसत गतिज ऊर्जा निकाल रहे हैं और औसत स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हैं, और इनको हम सिंबल, इन सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, के और यू के। ठीक है, अब ये जो औसत निकाल रहे हैं हम, वो तरंग दैर्ध्य की लंबाई लैम्डा पर ज्ञात करेंगे। तो लैम्डा पर ज्ञात करेंगे, देखो पहले हमने यहाँ पर जो परत ली थी उसके अंदर हमने ले लिया था 0 से 1, हम इसके अंदर ले लेते हैं 0 से लैम्डा पर निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 जो थी हमारी, समीकरण 3 एक बार देख लेते हैं वापस। समीकरण 3 क्या दिखा रही थी, के दिखा रही थी। तो हम औसत गतिज ऊर्जा निकालना चाहते हैं तो हम इसको काम में लेंगे और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, मतलब ये इंटीग्रेट तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे लेकिन वो उसकी लिमिट्स जो होंगी वो 0 से लैम्डा रख लेंगे हम। तो हम कुछ इस तरीके से औसत निकालने का यही तरीका है। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, एवरेज अगर हम प्रति एकांक आयतन निकालना चाह रहे हैं तो 1 बाय लैम्डा 0 टू लैम्डा लिमिट्स हो जाती है, जो भी लिमिट्स होती है उससे हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन में कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा के फॉर्म में, कॉस 2 थीटा अपॉन 2 के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या करा, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस 2 थीटा के टर्म्स में चेंज कर लिया है ना। अच्छा, उसके बाद इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट्स लगा दी। तो लिमिट्स लगाने के बाद ये टर्म तो हमारी 0 हो जाती है और ये टर्म हमारी केवल लैम्डा रह जाती है। फर्दर सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं, जो एक्स्ट्रा टर्म्स हैं वो सारी कट जाएंगी और हमारे पास जो औसत गतिज ऊर्जा आ रही है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ रही है, वो आती है रो पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाती है। ठीक है, इस बिल्कुल इसी प्रकार से हम औसत स्थितिज ऊर्जा भी निकाल लेते हैं। अब औसत स्थितिज ऊर्जा अभी हमने निकाली थी ऊपर है ना, तो उसके अंदर फॉर्मूले में क्या था, औसत स्थितिज ऊर्जा हमारी कुछ ये थी, ये इक्वेशन 5 से दी जा रही थी है ना, समीकरण 5 से, हाफ रो डी एक्स 2 पाई न्यू ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई बाय लैम्डा VT माइनस x। अब इसको भी हम औसत निकालना है तो औसत के लिए वही वही फॉर्मूला काम में लेंगे, 1 बाय लैम्डा 0 टू लैम्डा, और ये पूरी की पूरी टर्म एक साथ लिख दी हमने। इसके अंदर भी मैं क्या करूंगी, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। cos 2 थीटा का कैसे लगेगा, इसके अंदर 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 का फॉर्मूला लगेगा, तो वो ही हमारा यहाँ पर लगा दिया मैंने और इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन और करके और लिमिट्स लगाने के बाद ये वाली जो टर्म है ये तो हमारी 0 हो जाती है और केवल ये टर्म रह जाती है जो कि लिमिट लगाने पर लैम्डा बन जाती है। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है, रो पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो औसत गतिज ऊर्जा यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और औसत स्थितिज ऊर्जा एकांक आयतन में औसत स्थितिज ऊर्जा यानी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कम्स आउट टू बी सेम, दोनों के दोनों सेम आ रही हैं हमारी।
अब हम इसी इन दोनों की मदद से हम टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं, तो सिंपली इनको ऐड कर देते हैं। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो 2 रो पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। अब अगर हम इसको ऊपर से देखें, ये देखो समीकरण 6 में यही प्राप्त हो रहा था और यही होना चाहिए, क्योंकि हमने टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इतनी ही निकाली थी, वो हमने निकाल ली। तो ये हमने एनर्जी जो है किसी माध्यम के अंदर जब कोई तरंग वी वेग से गति करती है तो उसके जो कण हैं उनमें विस्थापन होता है, फलस्वरूप उनमें वेग उत्पन्न होता है, और उस कारण से उनकी ऊर्जा जो है वो तरंग के चलने के कारण जो उनकी ऊर्जा है गति के वो कंपन के कारण लगातार काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल और इसमें चेंज होती है। तो वो किसी क्षण उसमें कितनी गतिज ऊर्जा है, कितनी स्थितिज ऊर्जा है, इसके बारे में हमारे को इस फॉर्मूले इन फॉर्मूले से हमारे को निकाला पता लगता है, और हम इनसे एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट भी, और टोटल एनर्जी भी, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सभी हम निकाल सकते हैं। अब एक चीज और हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ऊर्जा फ्लक्स या ऊर्जा धारा, एनर्जी फ्लक्स या एनर्जी करंट, हम उसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, तरंग की गति की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से होकर प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा की मात्रा ऊर्जा फ्लक्स कहलाती है या प्रवाह कहलाती है। देखो फ्लक्स जो होता है वो हमेशा क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी जगह पर फ्लक्स अगर लिखा है इट मींस इट इज रिप्रेजेंटिंग सम टाइप ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, कुछ मात्रा को बताता है वो। तो ये ऊर्जा फ्लक्स क्या बता रही है, ऊर्जा की मात्रा। अब ऊर्जा की मात्रा कहाँ से ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, तो वो उसके लिए हमने क्या करा है, एक तो तरंग की गति की दिशा के लंबवत, यानी तरंग अगर इस दिशा में चल रही है तो उसके लंबवत दिशा में, इस वाली दिशा में एकांक क्षेत्रफल से होकर प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली, यानी इसके लंबवत दिशा में प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल में से कितनी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है उसकी जो मात्रा है उसको हम ऊर्जा फ्लक्स या प्रवाह कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, द एनर्जी फ्लक्स और एनर्जी फ्लो इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, ठीक है। तो ये हमारी एनर्जी फ्लक्स की डेफिनेशन हो गई। तो एनर्जी फ्लक्स भी हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, सिंस चूंकि एकांक क्षेत्रफल में से होकर ऊर्जा 1 सेकंड में माध्यम में कितनी लंबाई चलेगी, वी वेग चलेगी। अब भाई देखो तरंग जो है वो वी वेग से चल रही है, तो एकांक लंबाई की दूरी अगर 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, 1 सेकंड में वो वी वेग वाली लंबाई दूरी वी के बराबर ही लंबाई तय करेगी, क्योंकि दूरी जो होती है वो वेलोसिटी इंटू टाइम होती है। अगर टाइम को 1 कर देंगे तो वी और डी दोनों बराबर हो जाएंगे, अतः 1 सेकंड में यह ऊर्जा वी इंटू 1 आयतन में उपस्थित कणों को कंपन करेगी। तो अब इससे क्या होगा भाई, अब इतने 1 सेकंड में माध्यम के अंदर वी लंबाई तक चलेगी, वी लंबाई तक चलेगी मतलब क्या हो गया, वी इंटू हमने जो वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया था वो यूनिटी लिया था, इसका मतलब क्या हो गया, वी तो लंबाई हो गई और इंटू 1 हो गया, मतलब इतने वी इंटू 1 आयतन में जितने भी कण उपस्थित होंगे उन सभी को वो 1 सेकंड में ये एनर्जी कंपित कर देगी, वो सारे के सारे कण जो है जो इस वॉल्यूम में स्थित हैं वो कंपन करने लगेंगे। तो वी आयतन के कणों की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी भाई, एक कण की ऊर्जा तो हमने ये निकाली थी, है ना, और वी कणों के वी आयतन के अंदर कणों की संख्या क्या हो जाएगी, ये तो वी से गुणा कर देंगे, ये तो ये ऊर्जा क्या है, ये ऊर्जा है हमारी कुल ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, इसमें हम आयतन से गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। तो क्या आ जाता है, ये 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर रो
इंटू वी, ये ही ऊर्जा आपका प्रवाह है और इसी को हम एनर्जी फ्लक्स कहते हैं। तो यह व्यंजक एकांत क्षेत्रफल में होकर तरंग के अनुदिश ऊर्जा प्रवाह की दर बताता है। इट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया अलोंग द वेव, है ना। अतः इस ऊर्जा प्रवाह को प्रति एकांक क्षेत्रफल ऊर्जा धारा भी कहते हैं और इसीलिए इसको एनर्जी करंट पर यूनिट एरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, एनर्जी जो है, कोई भी जो कण है उसके अंदर से जब कोई तरंग गुजर, कोई माध्यम है, जब उसमें से कोई तरंग गुजरती है, वेव गुजरती है, तो उस वेव के कारण तरंग जो माध्यम के कण है वो कंपन करने लगते हैं, सरल आवर्त गति करने लगते हैं, जिस कारण से उनके अंदर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा आपको कुल स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है और कुल ऊर्जा जो है उस कण की स्थिर रहती है। और ऊर्जा प्रवाह के बारे में हमने पढ़ा। अब अगली बार हम इसके अंदर एक नई चीज और पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव्स के लिए। ये हमने जो बातें करी वो सारी की सारी प्रोग्रेसिव वेव के लिए करी, लेकिन माध्यम के अंदर हमारी दूसरे प्रकार की वेव्स भी बनती हैं, वो है हमारी अप्रगामी तरंगें। तो अब हम अप्रगामी तरंगों के अंदर अंतर्गत हम देखेंगे कि उसके अंदर हमारे जो ऊर्जा है वो किस प्रकार से उसमें स्थानांतर, कैसे ऊर्जा के बारे में हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।